अलकुम डर स्टूडेंट्स आई एम एफतार अहमद फ्राम सुपर साइंस अकेडमी देखें आज हमारा जो लेक्चर है वो इंटिग्रेशन चैप्टर थ्री पॉइंट वन के अबाउट है उसकी एक्सरसाइज के तो देखते हैं उसमें एम सी क्यूज के लिए क्या इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट्स हैं जो एम सी क्यूज़ बन सकते हैं थ्रेटिकल फॉर्म में क्वेश्चन से भी एम सी क्यूज बन सकते हैं लेकिन वो क्योंकि हम हल करते हैं तो उससे आइडिया हो जाता है कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा हल करने का मैथड क्या होता है लेकिन जो हमारे पास बुक के अंदर वो पॉइंट्स होते हैं वो अक्सर हमारे पास इग्नोर हो जाते हैं तो हमने असल में उन्हीं को मेंशन करना होता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आ सकता है या थ्योरी से सेलेक्ट हो सकता है या इम्पोर्टेंट बातें थ्योरेटिकल थियो, फॉर्म में कौन सी है देखें इस इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें कि आप पास इंटीग्रेशन का एम क्या है या इंटीग्रेशन क्यों यूज की गई कि जब एक फंक्शन ड्राइव फंक्शन होता है जिसे आप डिफरेंशियल कोफशंट भी कहते हैं आप पास एक डेरिवेटिव आया हुआ है फंक्शन का अब आप चाहते हैं कि भी ये डेरिवेटिव जो रिजल्ट है ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है उसको अगर फाइंड करना हो टिवेटिव तो का उलट प्रोसेस करते हैं एंटी प्रोसेस करते हैं इनवर्स प्रोसेस करते हैं देट इज कार्ड इंटीग्रेशन या एंटी डिटिव उससे हम कहते हैं इंटीग्रेशन या फिर एंटी डिटिव कहते हैं जो आपको डेरीवेटिव से वो फंक्शन

अब जैसे यहाँ पर अगर हम देखें इसका रिजल्ट के लिहाज से इस पॉइंट को देखें कि इंपॉर्टेंट पॉइंट टू होता है आपके पास या के बराबर के बल्कि यहाँ समराइज करके भी लिखा हुआ हो होगा ये देखें आप पास वाई F X, डी वाई इजिकल टू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है ये चीज है अगर हमें क्वेश्चन में पूछा जा सकता है डी वाई इज टू तो एफ डैश एक्स डी एक्स और डेल वाई इज इक्वल इस तरह में लिखा जा सकता है सो so तो और इसी तरह यहाँ पर एक बात के डी एक्स इज टू डेल एक्स ये आपके पास पॉइंट है dx x, इनकी वैल्यूज अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है जैसे यहाँ पर मैंशन किया गया हल करके दिखाया हुआ कि ये रिजल्ट जो है वो डेल एक्स के इक्वल आ रहा है डी एक्स का तो ये वो पॉइंट्स हैं के इसका पूछा जा सकता है डेल वाई इज इक्वल टू दिस किसके है? ये उन्होंने नोट में भी लिखा हुआ है कि इंस्टेड ऑफ डी वाई वी कैन राइट डी एफ वाई फंक्शन का नाम दिया तो डी वाई लिखेंगे अगर एफ फंक्शन का नाम दिया तो डी एफ लिखेंगे दैट इज डी एफ इज इक्वल टू इज इक्वल टू यहाँ पर के ये f डैश ऑफ एक्स और डी एक्स के इक्वल जो है ये चीज आपके पास आ गई अब नेक्स्ट है एफ डैश ऑफ एक्स क्या कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल कहलाएगा भी इसको कहते हैं, F करना, तो ये से आप फाइंड आउट कर सकते हैं नेक्स्ट अगर हम इसमें इस, देखे इम्पोर्टेंट बात नेक्स्ट पेज पर इसके ये जितनी डिस्कशन है कि डेल वाई और डीवाई को फाइंड करने के लिए तो इसमें जो आपके पास समराइज कर देते हैं इसमें कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स और उसके साथ f डैश ऑफ एक्स डी ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है इसी तरह ये वाला भी ऑब्जेक्टिव में पहले आ सकता है कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डी ये दोनों इसमें एम सी में पूछे जा पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास वो ये है डी अगर आपने डेल वाई फाइंड करना है बिल्कुल ये चीज़ मेंशन करें कि डेल वाई अगर आपको फाइंड करना है तो एफ ओफ एक्स प्लस डेल एक्स में से एफ ओफ एक्स माइनस कर दें ये जिस तरह हम डेरिवेटिव वाले क्वेश्चंस में करते थे कि वाई प्लस डेल वाई में से वाई माइनस करते थे सेम वही चीज़ बताई जा रही है कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स में से माइनस कर दें अगर हम एफ ओफ एक्स तो ये बन जाता है डेल वाई जान चेंज बच जाएगा कि ये चेंज कितना आता है जी नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं कि फर्दर क्या बात की गई आ, ये तो क्वेश्चन हैं सोल्यूशन ये आप खुद करेंगे डिफरेंशियल ये भी क्वेश्चन हैं ये भी आप खुद करेंगे जी ये तकरीबन बस यही बातें थी दो तीन फार्मूले थे इम्पोर्टेंट जो आ सकते हैं जी एक और बात इंपॉर्टेंट कि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल क्या है कि डिफरेंशियल हम क्यों यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव बन जाती है अक्सर तो डिफरेंशियल यूज होती हैं फॉर अप्रोक्सीमेशन इस बात को माइंड में रखेंगे अप्रोक्सीमेशन के तौर पर यह यूज होता है ये वर्ड जो आपका पास अप्रॉक्सीमेशन आया हुआ है तो ये पूछा जा सकता है तो ये दो चार बातें थी इम्पोर्टेंट क्योंकि नेक्स्ट तो एक्सरसाइज है तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं थैंक्स अलाट स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अल्लाह हाफिज